बिल्कुल, हमारे साथ जल शक्ति मंत्री हैं, इन्हीं से सीधे बात करते हैं। सर, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो गई है, ईवीएम की शुरू होने जा रही है, रुझान बीजेपी के फेवर में जरूर आ रहे हैं, लेकिन कुछ मंत्री लोग भी पीछे चल रहे हैं। कोई पीछे नहीं चल रहा है, सब लोग आगे चलेंगे। और जिस तरीके से कल से आप देख रहे हैं, उसके पहले से जनता का मोदी और योगी के प्रति लगाव है, श्रद्धा है, और विकास कार्य जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने किया, उसको सबको लेकर के जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। और हमको पूरा भरोसा है कि हम 350 के पार जाएंगे और फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश में ईवीएम पे आह्वान किया है कि 10,000-15,000 कार्यकर्ता वहां पहुंच जाए, आप लोग ईवीएम में गड़बड़ी कर सकते हैं। देखिए, 2014 के चुनाव में इन्होंने आरोप लगाया, 2017 में लगाया, 2019 में लगाया, और इसीलिए जब उनका सबसे विश्वास उठ गया है, जनता का भी उनके ऊपर से विश्वास उठ गया है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोकतंत्र में एक पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरीके का बयान करके लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं।